हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी स्पेशल है, काफ़ी हेल्पफुल है फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपियर इन द एग्जाम्स, इन देयर एग्जाम्स इन द कमिंग मंथ्स। आई एम नॉट रेस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ टू बोर्ड एग्जाम्स। आप 11th में हो सकते हो, आप 9th में हो सकते हो, आप 10th में हो सकते हो। सो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपियर फॉर देयर एग्जाम्स इन द अपकमिंग मंथ्स, बीट एंट्रेंस, बीट बोर्ड, उनके लिए वीडियो शायद हेल्पफुल होगा। हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि इफ यू नो इवन वन चाइल्ड गेट्स बेनिफिटेड फ्रॉम दिस, यू नो आवर मिशन गेट्स अकम्प्लिश्ड। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू माई सब्जेक्ट केमिस्ट्री, रादर इट इज इट हैज आई मीन इट होल्ड्स अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करें इफेक्टिवली बिफोर एग्जाम्स। अब एग्जाम्स आपके सर पे हैं, यू हार्डली हैव 45 to 50 डेज लेफ्ट, राइट? एंड दिस इज द टाइम वेन यू शुड यू नो गियर अप, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ टू अपेयर इन द एग्जाम। ठीक, सो एक देयर इज अ कोट इन इंग्लिश, इट सेज वेल बिगिन इज हाफ डन। सो फॉर दैट बिगिनिंग यू हैव टू प्लान नाउ, राइट? सो प्लानिंग इज अ वेरी एसेंशियल एलिमेंट फॉर एनीवन्स सक्सेस, राइट? एंड इफ यू प्लान योर सेल्फ वेल, आई एम श्योर नॉट ओनली यू विल सक्सीड इन योर बोर्ड एग्जाम्स बट ऑल्सो यू विल गेट यू नो एडमिटेड इन रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट अस बिगिन। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई वुड लाइक टू डिस्कस द मिथ्स अबाउट टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे मिथ्स हैं हमारे अंदर इसको लेके, ठीक? सो देखते हैं वो क्या क्या है। सो सम पीपल बिलीव द टाइम मैनेजमेंट इज नथिंग बट कॉमन सेंस, ओके? सिंस आई एम डूइंग वेल इन स्कूल, आई मस्ट बी मैनेजिंग माई टाइम वेरी इफेक्टिवली। नाउ पीपल ऑल्सो हैव दिस यू नो इन देयर माइंड कि क्योंकि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ स्कूल में, मेरे मार्क्स अभी तक तो डिसेंट आ रहे हैं, तो मैं टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया होगा। जरूरी नहीं है, ठीक? दूसरा एक सेगमेंट ये भी सोचता है कि इट टेक्स द फन आउट ऑफ लाइफ, इतना ज्यादा प्लानिंग करके क्या करेंगे, ठीक? देन सम पीपल से टाइम मैनेजमेंट वो क्या होता है, आई वर्क बेटर अंडर प्रेशर। सो ये सेक्ट हमारे साथ भी था, हमारे स्कूल में हमारे साथ भी ऐसे स्टूडेंट्स थे हु यूज टू वर्क बेटर अंडर प्रेशर, नो डाउट। लेकिन ये सबके लिए यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल हो ऐसा नहीं है, ठीक? लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि तूफानों में कश्ती उतारने का मजा कुछ और है, बट भाई साहब कभी कभी ना मतलब ये भारी पड़ सकता है आपको। सो ऑलवेज इट डजंट वर्क, कभी कभी चल जाता है, किसी किसी बंदे के लिए हो सकता है वर्क कर जाए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एक और सेगमेंट है स्टूडेंट्स का, इवन ह्यूमन बींग्स का। सी जब भी मैं यहाँ पर रेफर करूंगी टाइम मैनेजमेंट का, नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट स्टूडेंट्स, इन फैक्ट ऑल द इंडिविजुअल्स। एंड देन सम पीपल बिलीव नो मैटर वॉट आई डू आई वॉन्ट हैव इनफ टाइम। समटाइम्स इवन आई फील लाइक दिस कि आई एम नॉट एबल टू मैनेज माई टाइम वेल, मैं कितना भी कर लूँ कोशिश, मेरे पास टाइम होता ही नहीं है किसी चीज के लिए। बट ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू प्रायोरिटाइज योर थिंग्स, आप प्रायोरिटी सही अगर सेट करेंगे तो आपके पास हमेशा हमेशा समय होगा हाथ में, ठीक? दिस आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। नाउ लेट अस सी द ट्रूथ अबाउट टाइम मैनेजमेंट, सच्चाई क्या है। अभी तक तो हमने मिथ्स देख लिए। ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू मैनेज योर टाइम वेल, इट विल इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, ठीक? आपका स्ट्रेस लेवल कम रहेगा। कुछ बच्चे थे मेरे पास जिन्होंने लास्ट मोमेंट तक एग्जाम की फाइल नहीं बनाई थी, तो ऑफकोर्स स्ट्रेस आएगा आपको क्योंकि आपने फाइल सबमिट ही नहीं की है अपने टीचर को, एंड उसके हाथ में मार्क्स हैं। तो प्लीज अपनी चीजें अगर आप टाइमली प्लान करोगे तो आपकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं आएगा। देन इट विल इम्प्रूव योर सेल्फ एस्टीम, यू विल ऑलवेज बी हैप्पी कि चलो हो रहे हैं मेरी चीजें, ठीक? इट विल हेल्प यू अचीव अ बैलेंस इन लाइफ। ऐसा नहीं है कि तुम एग्जाम के दिन तो तुम 24 घंटे जग के पढ़ रहे हो एट वन गो, अभी तुम 24 घंटे सोने की प्लानिंग कर रहे हो। इट विल नॉट वर्क लाइक दिस, ठीक? इट विल ऑल्सो इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इट विल हेल्प यू टू रीच योर गोल। बिलीव मी, सबसे पहली चीज जो आपको दिमाग में रखनी है, रिमेंबर द टाइम विच यू हैव इज मेजर्ड, ओके? आपके पास अथाह टाइम नहीं है कि आप कैसे भी स्पेंड करो। वी ऑल हैव मेजर्ड टाइम इन आवर हैंड्स एंड इन दैट मेजर्ड टाइम वी हैव टू अकम्प्लिश ऑल आवर टास्क। सो सबसे पहले आपको जो स्टेप करना है मेरे हिसाब से, वो ये देखना है कि आपका टाइम वेस्ट कहाँ कहाँ हो रहा है। अगर आप यही नहीं इवेल्युएट कर पा रहे हो कि मेरा टाइम वेस्ट कहाँ पे हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके पास अलग से कोई टाइम तो ऐड हो नहीं जाएगा, आपकी घड़ी 30 घंटे की नहीं हो जाएगी। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू रियलाइज वेयर यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड यू हैव टू कट इट शॉर्ट।
अब मैं कह दूं आप सोशल मीडिया बिल्कुल बॉयकॉट कर दो, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. बट इफ यू आर वेस्टिंग, लेट से अगर सबसे पहली चीज आपको रियलाइज हो गया है, रियलाइजेशन है इस बात का, या आपने मेजर किया है कि मैं दिन में 2 घंटे फोन चला रहा हूँ, तो उसको थोड़ा कट शॉर्ट करके 1 घंटे पे ला सकते हैं या 1.5 घंटे पे ला सकते हैं, ग्रेजुअली और कम करेंगे. सो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू रियलाइज वेयर यू आर वेस्टिंग योर टाइम, विच इज वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट आई विल गिव यू सर्टेन टिप्स ऑन टाइम मैनेजमेंट, हाउ वी कैन गो अबाउट इट. What do you have to do to manage your time effectively? So the first step which of improving your time management is to list absolutely everything that you have to do. सब कुछ आप लिस्ट करो कि वॉशरूम में इतना टाइम लगेगा, सोशल मीडिया में इतना टाइम लगेगा, दोस्त से बात करेंगे फोन पे इतना टाइम लगेगा, मम्मी काम में हेल्प करने को बुला लेगी तो इतना टाइम जाएगा. हर छोटी से छोटी चीज जो आप दिन में करते हैं उनको लिस्ट करिए. ये बहुत ऑब्वियस लग रहा होगा, बट इफ आई स्पीक फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, मोस्ट स्टूडेंट्स दे टेंड टू लीव द इम्पॉर्टेंट टास्क अंटिल द लास्ट मिनट. दिस हैपन्स, यू कांट डिनाई दिस. ठीक, एंड दिस डेफिनेटली इम्पैक्ट्स द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क एंड देयर ओवरऑल ग्रेड. सो इफ यू वॉन्ट टू गेट अ गुड, आई मीन यू वॉन्ट टू गेट इन टू अ गुड कॉलेज और यू वॉन्ट टू स्कोर वेल, प्लीज स्टार्ट डूइंग दिस राइट अवे, अभी से स्टार्ट कर दो आप. ठीक, नेक्स्ट लेट्स कम टू अनदर वेरी ऑब्वियस थिंग जो आपके सारे टीचर्स बोलते हैं, क्रिएट अ लाइफ स्केड्यूल. अभी तो आपके पास बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, 45-50 डेज है जिसमें आपको प्रॉपर स्केड्यूल बनाना है. यू कैन यू नो हैव अ पिन अप प्लानर जो हम घर में लगाते हैं थंब पिन से, यू कैन हैव अ टाइम टेबल, यू कैन हैव अ कैलेंडर ऑन योर फोन, यू कैन ऑल्सो फाइंड अ लिस्ट ऑफ एप्स ऑन इंटरनेट. बहुत सारी एप्स हैं टाइम मैनेजमेंट की जो आपको बताती हैं कि आपने कहाँ कहाँ कितना टाइम वेस्ट किया है, एंड यू ऑफ कोर्स हैव टू एंटर. सो मेरे पर्सनल ओपिनियन लोगे तो आप लिख के मैनेज कर लो, बहुत आसान रहता है, इट्स वेरी हैंडी एज वेल. ओके, एंड थिंक अबाउट इट वेन यू आर मोस्ट अलर्ट. ये भी देखो कि मैं किस टाइम पे मैं बिल्कुल अलर्ट हूँ, तो उस समय आप अपने स्टडी पीरियड्स प्लान करो. ठीक, कि अगर मैं सुबह बहुत अलर्ट रहती हूँ तो मैं सुबह ज्यादा पढ़ना पसंद करूंगी. देर आर पीपल हु आर वेरी अलर्ट एट नाइट, तो रात को पढ़ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू एंटायरली. ठीक, ऑल्सो फाइंड टाइम फॉर सोशलाइजिंग. ठीक, बट मेक श्योर दैट यू गेट इनफ स्लीप. ये नहीं तुमने जो 8 घंटे सोने के रखे तो उसमें से तुमने 4 घंटे इंस्टाग्राम चलाया, फेसबुक चलाया, दोस्तों से बात की, एंड देन यू से कि वो तो मेरा लेजर टाइम था. लेजर टाइम नहीं है. स्लीप अगर आपकी प्रॉपर नहीं होगी, यू विल नॉट बी एबल टू रिमेन फोकस्ड इन योर लाइफ, ट्रस्ट मी. सो इफ यू हैव टू रिमेन अलर्ट ड्यूरिंग योर स्टडी पीरियड्स, यू हैव टू क्रिएट अ लाइफ स्केड्यूल. अभी स्टार्ट करिए, इसमें बिल्कुल देरी मत करिए, बिकॉज दिस इज द ओनली टूल यूजिंग विच यू कैन मेजर द टाइम, हाउ एम आई यूटिलाइजिंग इट और हाउ एम आई वेस्टिंग इट. ठीक, सो ये आपको प्रायोरिटी पे करना ही है, एक अपना लाइफ स्केड्यूल अब बना लीजिए आप. Now, next is you have to be flexible, but please be realistic. ठीक, we all have around 8 to 10 hours for working, studying, socializing, और कुछ भी काम हम करते हैं, practically इतना ही time है अपने पास. And since you all are full-time students, you are expected to dedicate 35 hours a week to school studies. इतना तो आपसे expect किया ही जाता है. ठीक, and this includes the time you spend on webinars or online lectures, as your school says. Now, अब इस पे आता है, आपको एक चीज डिसाइड करनी होगी. अगर आपको लगता है स्कूल में सिर्फ अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है, प्लीज अटेंड द लेक्चर और उसके बाद अपनी स्टडीज आप करिए साइड बाय साइड. अगर आपको लगता है स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है उससे आपको बेनिफिट हो रहा है, आई मीन इट इज हेल्पिंग यू बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट, आप प्लीज लेक्चर्स अटेंटिवली अटेंड करिए. आई एम ओनली सेइंग देयर आर सर्टेन लेक्चर्स एंड वेबिनार्स व्हिच आर नॉट नीडेड, आपको लगता है ये अभी हमें जरूरत नहीं है, सो प्लीज यू कैन जस्ट यू नो मार्क योर अटेंडेंस, लीव इट. आप ज्वाइन करके कैमरा ऑफ भी कर सकते हैं, एवरी चाइल्ड डज इट, वी नो एज टीचर्स प्लीज. बट अगर जो आपने 15 घंटे स्कूल में ना ट्यूटर लेड लर्निंग के लिए निकाले हैं, मान लो 35 आवर्स थे और आपने केवल 15 घंटे उसमें डेडिकेटेडली पढ़ाया, कोई सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, यूज द एक्स्ट्रा 20 आवर्स विच यू हैव फॉर योर सेल्फ स्टडी. Even in coaching, even you know, in online platforms, wherever you are investing your time in, you need some time for self-studies. Theek? Now, also remember that things can take longer than you expect. Aisa aapko lagta hai ki ho jayega itni der mein, par kabhi kabhi wo extra time le leta hai. So always give you keep yourself you know some thoda sa time up, itna flexibility rakhiye ki wo adjust kar paye. Right now. You have to allow time for planning to avoid repetition. ये बहुत जरूरी है, यहाँ पे 99% लोग फेल कर जाते हैं. So you have to take enough time to research, plan and think about your work. Okay, and it is very crucial for good time management.
अलाउ योर सेल्फ द टाइम टू प्रोसेस न्यू इन्फॉर्मेशन एंड प्लान हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट. स्कूल में कुछ नया चैप्टर तो पढ़ा दिया गया आपको और अभी कोचिंग में आपके नहीं हुआ है, ठीक. लेकिन आप ये देखो कि इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं कि मुझे बार बार वो री रीड ना करना पड़े या रिपीट ना करना पड़े, ठीक, उस रिसर्च को, उस जो चैप्टर हो गया या जो पर्टिकुलर टॉपिक हो गया है या आपने कोचिंग में पढ़ लिया है, तो इतने अच्छे से पढ़ो कि यू डोंट हैव टू यू नो अगेन गो एंड स्टडी द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, राइट. एंड वन वे ऑफ इफेक्टिवली प्लानिंग बिफोर रिसर्चिंग इज टू मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू वॉन्ट टू फाइंड आउट उस चैप्टर से आपको क्या क्या पता है, और ये आपको पता रहता है, टीचर बताता है सिलेबस में कि ये इंपॉर्टेंट है, एंड देन यू कैन थिंक ऑफ मेकिंग नोट्स बिलो ईच ऑफ द सब हेडिंग एज यू गो डाउन. This is this strategy you may use, might may not use, up to you, right? Now avoid procrastination and distraction. Procrastination बहुत important है, आपको avoid करना है, distractions भी avoid करने हैं. And always remember that what works for one person might not necessarily work for you. जरूरी नहीं है आपके लिए भी वो काम करे. For some people, studying with friends can limit their productivity. Okay, for instance, even I cannot you know study everything in a group. मेरे को थोड़ा सा solo time चाहिए आपके लिए self study के लिए. I always require that. And that can be the case with you also. And but for some other people, studying in groups can help to increase the motivation and this helps them to avoid procrastination. Depends only upon you how you want to go about it. ठीक, ग्रुप स्टडी करने दोस्त के घर से इसलिए मत जाएगा कि बाकी लोग आ रहे हैं, उससे आपको कितना फायदा मिल रहा है उसको देख के जाओ. Now, very important, आपने टाइम स्केड्यूल बना लिया, प्लानर बना लिया, बट प्लीज री इवेल्युएट कि आपका जो टाइम स्केड्यूल एक हफ्ते का था क्या वो इफेक्टिव रहा. वीकली ही बनाई है, I would suggest monthly time schedule मत बनाओ, बिकॉज जो गलतियां हैं उनको हम ट्वीक नहीं कर पाएंगे अदरवाइज. सो प्लीज कॉन्स्टेंटली रिव्यू एंड री असेस योर स्केड्यूल एंड इट विल हेल्प यू टू रिकग्नाइज वेदर यू नीड टू मेक एनी चेंजेस इन ऑर्डर टू हेल्प यू कम्प्लीट एनी स्कूल टास्क एंड ऑल्सो हैव टाइम टू रिलैक्स एंड स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली. दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वी मस्ट स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली. तो इसीलिए आप वीकली स्केड्यूल बनाइए, देखिए कि इसमें मुझे कहाँ पे चेंजेस करने हैं, क्या ये स्केड्यूल इफेक्टिव है, मेरा इसमें सारा काम हो जा रहा है, मेरे पास इनफ टाइम है सेल्फ स्टडी के लिए, मम्मी पापा से बात करने के लिए, दोस्तों से बात करने के लिए. ऑलवेज कीप अ ट्रैक ऑफ दिस, ठीक. एंड स्कूल के लिए जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपको लगता है ये लेक्चर मेरे फायदे का है प्लीज अटेंड इट, अगर आपको लगता है नहीं इट्स शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम सो यू कैन ऑलवेज गो फॉर योर सेल्फ स्टडी इन दैट टाइम पीरियड, ठीक. सो अब आप आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी आपको मिली होगी टाइम मैनेजमेंट पे. टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट वाइज कैसे हम करेंगे विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट वीडियो. ऑल्सो इफ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम माई एंड प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. आई सी यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.